मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में किचन में, और अभी टाइम हो रहा है 7:10। तो इस टाइम में सबसे पहले आके एलोवेरा जूस ले लेती हूँ। और अभी विंटर्स में तो नहीं लेती, बट मैं अभी समर स्टार्ट हो गया है तो मैं सबसे पहले एम्प्टी स्टमक में एलोवेरा जूस पी लेती हूँ। और ये रात को ही मैं बादाम और ये अखरोट भिगा के रख देती हूँ डेली। तो फ्रेंड्स, मैं एलोवेरा जूस पीने के बाद मैं अपना अगला जो काम है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और अब मैं चाय बना रही हूँ सबसे पहले। तो अभी जो मेरी जो हाउसमेड है वो भी आ गई हैं, तो वो अभी बर्तन कर रही हैं। तो ये 7:30 पे आ जाती है ये। तो कितना भी मन करे सोनी का वीकेंड पे, तो कभी मन करता है कि हम थोड़ी सी देर और बेड पर ही रहें। तो कई बार हमें बहुत ठंड में उठने का मन नहीं करता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज़ जो मेरी मेड है वो 7:30 पे आ जाती हैं, तो मुझे उठना ही पड़ता है चाहे सैटरडे संडे हो। तो अभी मैं बनाऊँगी चाय। और जो मैं एलोवेरा जूस मैंने लिया है, तो मैं तब तक जब तक चाय मेरी बन रही है इन द मीन वाइल, और जो मैं और भी जो काम होते हैं छोटे मोटे जो मैं करूँगी, तो जो मैंने एलोवेरा जूस पिया है उसका जो डिस्टेंस है वो इतना हो जाता है कि उसमें कहते हैं ना कि जो आंवला जूस आप ले रहे हो एम्प्टी स्टमक, और या फिर जैसे एलोवेरा जूस मैंने लिया है, तो उसके 30 मिनट्स बाद ही आपको कुछ लेना होता है, तो वो मेरा टाइम फिर इतना हो जाता है। और आज मेरा ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रवा डोसा, और नारियल की चटनी मैं बनाऊँगी। और फ्रेंड्स, मैं आज एक मेरा प्लास्टिक का एक गमला है, पॉट है मेरा, तो उसका मैं एक मेकओवर आपको दिखाऊंगी, मैं आज शेयर करूंगी। जो एक नॉर्मल सा एक प्लास्टिक का पॉट होता है ब्लैक कलर का, तो उसी का मैं रिपॉट करके उसको न्यू लुक कैसे देना है वो दिखाऊंगी मैं आज आपको। और एसिडिटी जिनको होती है फ्रेंड्स, तो वो एलोवेरा जूस पिए तो वो बहुत अच्छा होता है, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से इसको ले रही हूँ, तो ये बहुत अच्छा है ये, और इसका बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं मुझे। और अभी मेरी चाय बनकर तैयार हो गई है, और थोड़ी सी चाय मैं अभी अग्नि देवता पे चढ़ा रही हूँ, मींस कि गैस पे अग्नि देवता को चढ़ा रही हूँ, बिकॉज़ ये ऐसा मेरी मम्मी करती थी, और उन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि आप जब भी कुछ पहली चीज़ बना रहे हैं किचन में, तो अग्नि देवता को ज़रूर चढ़ाएं। और अभी चाय के साथ ये चॉकलेट केक ले रहे हैं, जस्ट लाइक अ प्लम केक। तो उस दिन हम गए थे तो डॉक्टर ने काफ़ी इंसिस्ट करके ये ख़रीदना पड़ा हमें। और अब ये चाय मैं ले जा रही हूँ अंदर इन लोगों को देने के लिए। मैं फादर इन लोगों को भी दूंगी और इनको भी दूंगी। और ये जो मार्केट के जो केक होते हैं, ये मुझे एक्चुअली में मुझे पसंद नहीं आते। ये एक्चुअली मुझे जो हम होममेड बनाते हैं तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हेल्दी लगते हैं। और अब मैं अपनी चाय लेके आ गई हूँ बालकनी में। एंड फ्रेंड्स, मुझे ना बालकनी में बहुत अच्छा लगता है यहाँ चाय पीना, बैठना यहाँ पर। तो अभी कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो अभी सारा मैसी हो रहा है मेरी बालकनी जो है। तो अभी मैंने अपनी चाय रख दी है, और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा ये जो अम्ब्रेला रखी हुई है और
जो ये फ़्लावर का पॉट मैंने उठा के रखा था, बिकॉज़ जो बारिश आई थी इतनी तेज़, तो उससे जो फ़्लावर वाले प्लांट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने उठा के रख दिए थे। और एक प्लास्टिक शीट भी वहाँ लगा दी थी जो हमारा बैठने का वहाँ पे सीटिंग वाला है, तो उसके ऊपर, क्योंकि वो वुडन का था। तो अभी मैं ये हटा के फिर मैं अपनी चाय लेके अपनी बैठूँगी। और बस मैं 10 मिनट ही मैं बैठ पाऊँगी, उसके बाद मैं अपना किचन में फिर लग जाऊँगी। इस तरह से बालकनी में बस थोड़ी सी देर अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और अब मैंने किचन में आके अपना काम शुरू कर दिया है। तो किचन में मेरी जो मॉर्निंग में सनलाइट आती है वो बहुत अच्छी आती है, तो मैं जो मेरी इंडोर प्लांट हैं पीस लिली और एग्लोनीमा, तो उनको मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ रख देती हूँ ताकि उनको विटामिन डी मिल जाए और प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं मॉर्निंग की धूप से, सनलाइट से। तो अभी सबसे पहले मैंने अपने फादर इन लॉ को मैंने उनको बना के दे दिया, क्योंकि उनको लाइट खाना देना होता है, जो डॉक्टर बोलते हैं हम उनको वही देते हैं जिस टाइप का वो बोलते हैं। तो अभी फिर मैं उसके बाद आ गई हूँ, जब तक वो खा रहे हैं तो मैं बच्चों को दूध बनाने आई हूँ, तो वो भी उठ गए हैं दोनों, तो बच्चों का मैं दूध डाल रही हूँ। बट बच्चों का भी जो मिल्क बनाना होता है तो उसमें भी एक को बॉर्नविटा चाहिए होता है, एक को नहीं, और एक को मलाई छान के चाहिए होती है, एक को नहीं चाहिए होती है। और अब इतना काम करने के बाद जो मैंने रात को मैंने जो अपने फ्लावर के प्लांट्स मैंने उठा के रख दिए थे, तो मैं उनको वापस वहाँ पे रखने आई हूँ, और मैं यहाँ रख रही हूँ इनको बिकॉज़ अच्छी सनलाइट आ रखी है और अच्छी धूप उसमें लग जाती है प्लांट्स में, फ्लावर के प्लांट्स में, तो वो अच्छे फ्लावरिंग देते हैं। और अब मैं लग गई हूँ रवा डोसा की तैयारी में, तो उसकी जो प्रिपरेशन मुझे करनी है वो मैं कर लूँगी अभी। और बिकॉज़ टाइम भी काफ़ी हो गया है, टाइम हो गया 9:35। तो इंस्टेंट रवा डोसा के लिए मैंने ले ली है 2 प्याज बड़े, और उनको छोटा इनको बारीक करना है हमें, तो उसके लिए मैंने लिया है चॉपर, तो चॉपर में ही मैं करूँगी। और ये चॉपर में जितनी बार आप थ्रेड को आप खींचेंगे तो ये उतना ही बारीक होता चला जाएगा, तो हमें इसमें थोड़े बारीक ही चाहिए प्याज। और अब लिया है मैंने सेमोलिना, और इसमें सेमोलिना 1 कप, जितना सेमोलिना लेंगे उसकी ही इक्वल क्वांटिटी में हमें राइस फ्लोर लेना है, तो राइस फ्लोर ले रही हूँ मैं, और 1/4 ऑल पर्पज़ फ्लोर ले रही हूँ मैं, और कुछ ग्रीन चिल्ली मैंने काट ली है। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिल्ली, और ग्रीन चिल्ली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना आपने स्पाइसी खाना हो उतना आप रख सकते हैं उसमें। और इसमें ओनियन भी मिक्स कर देंगे, और इसमें डालना है करी लीव, करी लीव्स डाल दिए मैंने, और ये जिंजर मैंने इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, और जिंजर भी लेना है इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, सॉल्ट मेरा फ्रेंड्स लाहौरी नमक है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और 1 से 1.5 चम्मच के आसपास इसमें दही डाल रही हूँ मैं, और अभी इसमें 1 टी स्पून मैं डालूँगी जीरा, और अभी इसमें पानी डाल के इसे हमें एक पतला बैटर बनाना है इसे।
जो बैटर बनाया है मैंने उसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया है 20 मिनट्स के लिए, और जब तक वो रेस्ट पे हैं इन द मीनवाइल मैं नारियल छीलूँगी। एंड इट्स अ वेरी बिग टास्क फॉर मी, और ये नारियल को छीलना बहुत बड़ा टास्क लगता है फ्रेंड्स। और अब मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी, और उसके लिए मैंने नारियल को धो के काट रही हूँ मैं इसे। और ये मैंने ले लिया है ब्लेंडर, और ब्लेंडर में इसे मैं डालूँ नारियल को, और ग्रीन चिली डालनी है इसमें, और जो मैंने जिंजर लिया था मैंने जो ग्रेट करके, तो वो मेरा बचा हुआ है, तो वो जिंजर भी डालना है इसमें, तो मेरा वही बचा हुआ है तो मैं वही डाल रही हूँ। और इसमें चने डालेंगे थोड़े से, और ये नमक इसमें डाल रही हूँ मैं, और थोड़ा पानी डाल के फिर से हम ब्लेंड करेंगे। और एक नारियल में मैंने आधा कप या आधा कटोरी के जितने मैंने चने डाले हैं इसमें। चटनी हो गई है रेडी, और अब मैं इसमें दूंगी तड़का। फ्रेंड्स मुझे तो ये बिना तड़के की बहुत टेस्टी लगती है, बट इनको तड़का लगा के चाहिए, तो अब मैं तड़का दूंगी इसमें। और इसमें मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ मैं, और करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स डालने हैं, और बस इसका ही तड़का मैं दे रही हूँ। और अब मैं बना रही हूँ इंस्टेंट रवा डोसा, तो उसके लिए हमें बिल्कुल रनिंग वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। और जब ये ऐसे आप 20 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट के लिए रखेंगे तो वो फूल जाता है थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा पानी और आप ऐड कर लीजिएगा। और अभी हमें जो हमने तवा था हमारा, तो उसको आयरन प्लेट को अच्छे से गर्म करना है, और उसमें अभी ग्रीसिंग कुछ भी नहीं करनी है, ऑयल नहीं डालना है। जब आप इसमें इसको डाल देंगे बैटर को, तो उसके ऊपर से आपको ऑयल डालना है। और अब ये गरम गरम मैं बना रही हूँ, और मैं इनको देती जा रही हूँ मैं सबको, क्योंकि इनका टेस्ट गरम में ही आता है, बहुत क्रिस्पी रहते हैं ये। और इस तरह से इसका जो आप इसमें जो डोसा बनाएंगे, तो इसकी फ्लेम का आप ध्यान रखिएगा कि फ्लेम कम ज़्यादा करते रहिएगा बीच बीच में। और इसको एक साथ एक साथ नहीं डालना है, और थोड़ा सा फैला के डालना है इसे। इसमें बस इसको डालने का एक तरीका आना चाहिए, इसमें तवे पे फैलाने का। तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट हम सबका हो गया है, एंड माय किड्स आर स्टडिंग एज देयर एग्ज़ाम्स हैव बिगिन। और एक जो मैंने DIY बोला था आपसे, तो मैं शेयर करूँगी, ये वही DIY मैं कर रही हूँ, और अब मैं इसे लेके बैठी हूँ। तो ये मेरा एक पुराना एक प्लांटर है, जो एक नॉर्मल सा एक प्लास्टिक का प्लांटर है, तो उसी का मैं मेकओवर कर रही हूँ। और जो इसमें हमें ग्लू गन की हेल्प से हमें इसमें जो मैंने एक रोप ली है, ये मैंने अमेज़न से ऑनलाइन ली थी, तो यही रोप हम लगाएंगे चारों तरफ, तो उससे इसका लुक एकदम बहुत अच्छा इसका लुक आएगा प्लांटर का। और ये मेरा लिविंग एरिया में रखा रहता है प्लांटर, ये इनडोर प्लांट ये वाला, तो इसीलिए इसका मैं लुक चेंज कर रही हूँ। और इसको सब तरफ से हमें ग्लू गन लगाते हुए इसको स्टिक करते हुए जाना है।
कंप्लीट इसी तरह से हम रोप लगाते हुए जाएंगे, और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमें ऊपर हमें टैसल लगाने हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है वूल यार्न, जो आपके पास यार्न पड़े रहते हैं घर पे जो अलग अलग कलर के, तो आप कोई भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्राउन के साथ, मैंने वाइट के साथ ब्राउन का कॉम्बिनेशन रखा है। वाइट एग्जैक्ट वाइट तो नहीं है इसका रोप का कलर, थोड़ा ऑफ वाइट है। ऑफ वाइट के साथ मैंने ब्राउन का कॉम्बिनेशन लिया है, और इसकी टैसल बनाते हुए ऊपर इसको स्टिक करेंगे ग्लू गन से। और अभी ये हस्बैंड मेरी मुझसे कुछ बात भी कर रहे हैं, तो मैं उसका उनको आंसर भी कर रही हूँ। कंप्लीट एकदम इसका हो गया है इसका लुक एकदम। और अब मैं इसमें इसको हमें फिंगर्स में लपेटना होता है, और हमें उतनी बार इसको लपेटना है जितना हमें थिक चाहिए, जितने टैसल हमें थिक चाहिए। और ऊपर से हमें एक छोटे वाले उससे धागे से हमें बांध देना होता है ऊपर इसका, और नीचे से हमें इसको सीजर से कट करना होता है। तो वो हमें एक टैसल के रूप में हमें टैसल मिल जाता है हमें, ये जिस टाइप से जैसे पॉम पॉम बनते हैं, बट पॉम पॉम पूरे राउंड में होते हैं, तो ये टैसल हमें बनाने हैं। और इस तरह से पूरा कंप्लीट करके ये जो हमें बिल्कुल रेडी मिलता है, जो हमें इसका मेकओवर करके मिलता है, तो वो इतना सुंदर वो बनता है वो पॉट हमें, जो एक नॉर्मल सा पॉट होता है वो इतना एक्सपेंसिव, इतना अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा। और इसी तरह से ये जिस टाइप से ऐसे टैसल बना है, तो ये थोड़े थोड़े गैप में मैं ऊपर की तरफ इसे स्टिक कर दूंगी इसे। सो फ्रेंड्स, माई प्लांटर इज़ रेडी एंड इट्स लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आज का यहीं तक का था। होप यू लाइक इट। एंड फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।